जिसे चाहे वैसी नहीं मैं, हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं, फिर भी हूँ कैसी कैसी नहीं मैं, कृष्णा मोहि देख तो ले एक बार, दोस्तों आप संगीत से जुड़ चुके हैं और आपके भीतर तक यह गीत प्रविष्ट हो चुका है। हम इस समय देश की एक बड़ी धरोहर हैं, शख्सियत हैं, मंगला सलोनी जी। विनम्र भाव से यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय पर आपका स्वागत है। हम वाराणसी में हैं। वाराणसी जब मंगला जी का जन्म हुआ तो दादी माँ का गीत इनके कान में गया था पहली बार। बिल्कुल, उन्हीं का स्वर मेरे कान में सबसे पहले गया था। और दूसरा गया था लता जी का जी। जिनको ये आदर्श मानती है, प्रेरणा स्रोत मानती है, पथ प्रदर्शक मानती हैं और उनकी एक तरह से पूजा करती हैं, जिनका गीत इन्होंने सुनाया। मंगला जी सुर संग्राम से लेकर के और तमाम प्रतियोगिताओं में इन्होंने प्रतिभाग किया। एक घराना यह भी है और APJ अब्दुल कलाम साहब ने इन्हें सम्मानित किया था, बड़ा प्यार दिया था। मंगला जी, दादी माँ ने जो गीत पहले आपको सुनाया था, अब वो सब उन गीतों का लोप हो रहा है। जी जी जी। तो ये गीत उनका कोई हो जाए। मैं उनका ऐसा जैसे लोक भजन वो बहुत ऐसे गा गा के सुलाती थी, तो एक बैरागी जो यात्रा गीत जिसको बोलते हैं, बैरागी ऐसा हुआ करता था और दादी उसको हम लोगों को गा गा के ऐसा सुनाती थी। मैं आपको दो लाइन सुनाती हूँ। तुलसी मगन भैले हरि गुण गाए के, तुलसी मगन भैले हरि गुण गाए के हो, तुलसी मगन भैले कोई चले हाथी घोड़ा पाल के सजाई के, कोई चले हाथी घोड़ा पाल के सजाई के, साधु चले भुइया भुइया चिमटा बजाई के, तुलसी मगन भैले हरि गुण गाई के हो, तुलसी मगन भैले। क्या बात है, अब इन चीजों का लोप हो रहा है। बिल्कुल। हाँ। लोरी सुनाती थी, कहानी सुनाती थी जी, और वो अलग धुन हुआ करता, बहुत बहुत ऐसे बहुत टचिंग हुआ करता था। और जो लोक संगीत में जो बात है वो लोगों से जोड़ता है, वो हृदय तक पहुंचता है, वो एकदम झकझोर देता है कलेजे को। अगर लोक संगीत वाकई लोक संगीत है। मंगला जी, कोई शादी वाला गीत, अब तो शादी में फिल्मी गीत आ गए, महिलाएं भी वही गा रही हैं, कोई पुरातन गीत इस तरह का जो लोगों के भीतर। हाँ, तक बिल्कुल। मेरी दादी से ही मैंने सीखा था कि विवाह गीत में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर एक विवाह गीत है, एक बेटी अपने ससुराल में इतने साल हो गए उसको कि उसको अपने मायके का कुछ भी पता नहीं, और उसके भाई की शादी होती है और एक ब्राह्मण उसके घर नेवता लेके आता है, तो क्या बोलती है। पूर्व के देशवा से ले बभनवा हो, हतवा हर दिया लिहले ठाढ़ जी, पूर्व के देशवा से ले बभनवा हो, हतवा हर दिया लिहले ठाढ़ जी, बैठो ना बभन
बतिया हो तुर बाबा रचल बिया जी। और कितने साल हो गए कि बेटी को पता भी नहीं कि मेरे घर में शादी है, पर किसकी? पूछती है, अपने बाबैया जी के एक ही बेटी आवा मैं, के कर बाबा रचल बिया जी। पंडित जी जवाब देते हैं, जब तू आइलो बेटी अपने ससुरवा हो तोरे पीठी जन्मेला भाई जी। तो इस तरीके का एक जो औरत के मन की विडम्बन, जो उनकी पीड़ा होती थी, वो लोक संगीत में अपने भाव को गाने के माध्यम से लोग बोला करते थे, ऐसा होता था लोक संगीत। देखिए, पहले बचपन में शादियां हो जाती थी, बच्चों को ध्यान नहीं रहता था, डोली में ही सो जाते थे। मुझे भी बताया कई लोगों ने कि हमको नींद लग गई थी, मुझे ध्यान ही नहीं है कि शादी कैसे हुई। बहुत सुंदर रचना है सच में। इसी तरह से लोक विधाओं पर कोई और गीत जो जिसका जो अवसान की तरफ है? जी, बहुत सारे ऐसी विधा है जो, जैसे शादी गाली कैसे गाते थे शादी में? गाली, अब जैसे तोरी बोलिया सुने कोतवाल तूती बोलेला, तोरी बोलिया सुने कोतवाल तूती बोलेला, इस टाइप के सब गाली वाली चला करते थे उस समय। अच्छा, पहले सुराजी गाली भी गाते थे लोग, आप देख लीजिएगा, जैसे आपको स्मरण हो जाएगा, आप लिखी भी होंगी, स्वराज जब देश आजाद हुआ तो सुराजी गाली का प्रचलन चला था। अच्छा अच्छा, तो इस तरह से जैसे गांधी जी का और इनका उल्लेख करके लोग गाते थे। अब एक ठुमरी, हमारी इच्छा है कि काशी की एक ठुमरी बड़ी प्रसिद्ध है जी। मेरी गुरु माँ से मैंने जो सीखा है, अभी बहुत कुछ नहीं, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। गाना बजाना नाचना सब में ना लगा हुआ है, ज़िंदगी भर करना है, फिर भी ना का ना ही रहेगा। तो अभी तो मैं कर रही हूँ, और मेरे जन्म की माँ अगर मेरी माँ है तो वो मेरे कर्म की माँ है, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है और वो मेरे लिए सर्वोपरि है। तो मैं उन्हीं का सिखाया हुआ दो लाइन एक ठुमरी, दिन रैन कैसे कटे दिन रैन, दिन रतिया साज ना बिना कैसे कटे दिन रैन, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, कैसे कहूँ मैं मन की बहन, कैसे कटे दिन रैन। ये रागमारू बिहाग की ठुमरी थी। हाँ। अभी तो बस मंगला जी, छठ का पर्व आ गया है जी, तो छठ का कोई पहले का गीत, वर्तमान गीत, जो भी? सबसे ज़्यादा तो मैं ये बोलूँगी कि जो छठ का जो मेन सॉन्ग है, कांच ही बांस के बहंगिया चलेगा, तो इसको मतलब कहीं से भी अगर ये कान में स्वर पड़ा तो लोग सोचेंगे छठ का पर्व आ गया। छठ एक त्यौहार है, छठ एक पर्व है, उसको लोग। अच्छा, आप छठ का पर्व केवल यूपी बिहार तक नहीं है, बहुत ज्यादा देश और विदेशों में, विदेशों में भी, बिल्कुल, हॉलैंड, पोलैंड,
सूरीनाम तमाम देशों में चल रहा है। तो बिल्कुल कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जा बहंगी लचकत जा बनी ना बनम जी का हरिया बहंगी घाटे पहुँचा बहंगी घाटे पहुँचा कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जा। क्या बात है, आनंद आ गया। मंगला जी, आप बचपन से ही जुड़ी हुई हैं इस विधा से और तमाम लोगों को सिखा भी रही हैं, तो किस जगह आपका संस्थान है जहां आप सिखाती हैं बच्चों को? मैं ऐसे तो मैं घर पे भी क्लास लेती हूं और कलेक्ट्री फार्म एक जगह है यहां बनारस में, कलेक्ट्री फार्म, हाँ वहां पे भी बच्चों को जाती हूं क्लास सिखाती हूँ। और मैं मेरी यही कोशिश है कि जो चीज़ें विलुप्त हो रही हैं वो आज के जो न्यू जनरेशन जो बच्चे हैं अगर उनको नहीं सिखाया गया तो वो ख़त्म ही हो जाएगा। आपका कोई यूट्यूब चैनल भी है? हाँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो कि मेरे ही नाम से है, मंगला सलोनी। आप प्लीज़ उसको टाइप कर मेरे को सर्च कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, MANGLA मंगला SALONI सलोनी, मंगला सलोनी। देखिए मैं भी अनुरोध करूंगा, मंगला जी का ध्यान उधर नहीं था और यह लोग एक तरह से आदर्श पक्ष हैं संगीत के क्षेत्र में। मैं चाहूंगा आप विजिट करें और इनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करते हुए इनका मनोबल बढ़ाएं। और अगर लोग आपसे कहेंगे कि मंगला जी यह गीत सुना दीजिए अगर आपके चैनल पर जा करके, तो दो चार पाँच दिन में आप सुना देंगी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाऊंगी मैं जो भी चीज़ें। देखिए जो भी वैश्विक स्तर से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि चैनल को देखें और मनपसंद गीत सुने। एक दो लाइन काशी से जुड़ा हुआ कोई और गीत, भगवान शिव से जुड़ा हुआ या भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ, तीनों लोग से न्यारी काशी है, जो भी आप चाहें। अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा काशी, काशी से रिलेटेड हाँ, है मेरे पास भी, बहुत सारा गाना, लेकिन दो लाइन कुछ भी चलेगा। रोज दोपहरियां हर घड़िए नहाला नाथ, सर्दी ना जुकाम पकड़े तोह के है भोले बाबा, और गाल के बजाए से निहाल हो ही जाला तू। ऐसे है हमारे काशी के भोले बाबा कि बम भोले हरे मोर मन कामना पूरा करे, ओ बम भोले हरे मोर मन कामना पूरा करे, अरे मोर मन कामना पूरा करे, अरे मोर मन कामना पूरा करे, हो बम भोले हरे मोर मन कामना पूरा करे। सुखद अनुभूति हुई और आप सभी को अच्छा लगा होगा। फिर हम आगे भी मंगला जी से मिलेंगे, इनके साथ और भी वीडियो करेंगे, आप इनके चैनल को देखें, मनोबल बढ़ाएं। ऐसे जो भी कलाकार हैं बड़ा मुकाम, यह परिचय की मोहताज नहीं है, अब यह कि इन्होंने इसको प्रोफेशन नहीं बनाया, ऐसे मन का मौज है, करती रहती हैं। एक्चुअली कलाकार बड़े फकड़ी होते हैं ना, उनको बस ये है कि मैं हूँ, मेरे श्रोता हैं, वो गा रहे हैं बजा रहे हैं, उनको उसी में आनंद आता है।
कहाँ उनका फ़ायदा हो रहा है, कहाँ क्या, ये इस पर ध्यान नहीं जाता। मुझे बहुत सारे लोगों ने पुश किया कि मंगला जी आपको खुद के नाम से चैनल डालना चाहिए, आपको लोग सर्च करते हैं, आपको लोग, हालांकि मेरे बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, मुझे जैसे ही आप सर्च करेंगे, मैं पर्टिकुलर अंजन चैनल के लिए बहुत सारे गाने गाती हूँ, उस पर मेरे बहुत सारे अंजन चैनल है, रिया म्यूज़िक है, रियल फिल्म पे भी बहुत सारे गाने हैं मेरे, लेकिन जो मेरा खुद का चैनल है, मेरा मंगला सलोनी ऑफिशियल जो चैनल है, वो मैंने बहुत लेट शुरू किया। कोई बात नहीं। अच्छा लगा सभी दोस्तों को जो वैश्विक स्तर से जुड़े हुए हैं, विनम्र भाव से ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार। और मंगला जी, अगर आप का जो संगीत का जहां आप सिखाती हैं, तो कैसे लोग संपर्क करेंगे, अगर करना होगा कोई उस संस्थान का? जी, मेरा कांटेक्ट नंबर है। हाँ। उस कांटेक्ट पे लोग मुझे, आपको एक घंटा समय बताइए, कितने से इतने समय में ही लोग पूछ सकते हैं? जी, मैं रात के, मैं एक मतलब सुबह मैं बात कर सकती हूँ, जैसे 11-12 बजे के बाद। हाँ। 12 से 3 तक दोपहर में। हाँ। और अगर शाम को कोई कॉल करे तो फिर मैं रात में 8 बजे के बाद, 8 से 9। हाँ, 8 से 9 एक घंटा। हाँ, आपका भी है और आपको लोग, तो 8 से 9 रात को जो फ़ोन करेंगे लोग, पूछना होगा तो कौन सा नंबर आपका होगा जिस पर? जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ताकि लोग मेरे हाँ, से थीक, अच्छे थीक से जुड़ सके, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9839 5268 6876। चलिए, व्हाट्सएप नंबर से जुड़ करके और मैसेज आप पढ़ेंगी और उसका जवाब देने का भी प्रयास करेंगे। यदि आपके बच्चे भी संगीत से जुड़ना चाहते हैं, आप वाराणसी में हैं, काशी में हैं, तो ऐसे संस्थान में भेजना चाहिए। मेरी भी एक बच्ची हारमोनियम सीख रही है, उसी पर्पज से मैं यहाँ आया भी था और आज आ करके एक वीडियो भी हो गया। मंगला जी, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आपका सादर अभिवादन, अच्छा लगा।